जल्दी करो ना। हो गया जीजी, अब इसकी आंखें खोल दो। ये क्या है? अपने आप को नहीं पहचानता, ये तू है नट्टा बंदर। अच्छी तस्वीर बनाई ना जीजी। तुम भी इस चुहिया की बच्ची का साथ दे रही हो, मेरी हंसी उड़ा रही हो। हंस ले जितना हंसना है, मैं भी तेरी फोटो बनाऊंगा, इससे भी लंबी मुझे होंगी तेरी। छोरियों की मुझे थोड़ी ना होती है। नहीं होती, फिर भी बनाऊंगा। अरे गुस्सा क्यों होता है, मैंने गलत थोड़ी ना बनाया है, तू बड़ा होकर ऐसा ही दिखेगा। अभी बताता हूँ, तेरी चोटी काट के तेरी मुझ बना दूंगा। जीजी, पकड़ो ना इसे। अरे जगिया। टीवी चालू क्यों नहीं हो रहा? सुगना जीजी तो झट से कर लेती है। क्या ढूंढ रही है बिंदनी? क्या बात है, इतना घबरा क्यों रही है? अपनी दादी सास से इतना डरने की क्या जरूरत है छोरी? मैं क्या चुड़ैल हूं जैसे इरनी जो कच्चा हाड़ा पे जाएगी थारे को? हैं? टीवी देखना है क्या? कैसे बच्चिया की तरह मुंडी लावे? अरे देखना है तो हाँ बोलना, मैं क्या मना करूंगी? तो कभी कभार डांट दूं जरा सा, जब घर का काम पड़ा रहे और तू टीवी से चिपक कर बैठी रहे। अब घर गृहस्थी का काम भी तो जरूरी होवे, जितने लक्षण सीखेगी थारे कोई फायदा होगा। हाँ सब लोग प्रशंसा करेंगे थारी, खुश रहेंगे थारे से। हाँ बोल, ठीक कह रही हो कि ना? अरे तू जॉक आ रही है छोरी, कितनी भी कोशिश कर ले मारे से दूर भागने की, मैं ना जाने दूंगी थारे को। दादी सास हूँ थारी, मारी लाडी सतपोती की दुल्हन है तू। चल थारे को टीवी चलाना सिखाऊंगी, सीखेगी? आजा, चल 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 मारे साथ। अब देख ये चीज जो है ना, नाम ना पूछना भारत, पर ये पिद्दी सी चीज सारा काम करे, जादू की डिबिया है। हाँ देख, जहां ये लाल बटन दबाएगी उधर शुरू हो जाएगा। ये ले चकू। हाँ देख, वो वाली पतंग दिख रही है ना, बस तुझे वही पतंग काटनी है। ढंग से काटना, नाक मत कटवा देना। अरे काट रहा हूं तो चुप रह। बेटा सुगना तुझे छत पर बुला रही है ना खेलने के लिए, चली जा तू। नहीं सासू माँ, अभी कैसे जाऊँ खेलने, कितना सारा काम पड़ा है और आपका हाथ भी तो बटाना है रसोई में। रसोई का काम मैं खुद कर लूंगी, तू जाकर खेल ले थोड़ी देर। नहीं सासू माँ, आप रसोई का काम अकेले क्यों करोगी, मैं काम खत्म करके चली जाऊंगी खेलने, खेलने की क्या जल्दी है।
साथ चाय गरम गरम पी लेना, ठंडी मत होने देना, नहीं तो मुझे फिर से गरम करनी पड़ेगी। आप सुन रही हो ना? हाँ पी लूंगी तू जा। हाँ हाँ कहती हो पर पीती क्यों नहीं? तुम्हारे को डांटेगी भित्ते भर की छोरी? डांटू नहीं तो और क्या करूँ, कल रात भी आपने दूध आधा छोड़ दिया था, फेंकना पड़ा था कि नहीं? आप ही तो कहती हो ना कि अन्न और दूध को कभी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो अन्नपूर्णम्मा नाराज हो जाती है। अब जल्दी से अपना हिसाब किताब खत्म करो और चाय पी लो, मैं सासू माँ के साथ जाकर रसोई में काम करती हूँ। सासू माँ ने कहा है आज वो मेरे लिए गट्टे की सब्जी बनाएंगी, वो भी पूरी की पूरी एकली ही, बाकी का सारा खाना मैं ही बनाऊंगी। वैसे तो मैं अच्छा बनाऊंगी, लेकिन अगर अच्छा ना बना तो भी आप खाओगी ना? हाँ हाँ खा लूंगी, तारीफ भी करूंगी। जाप दादी माँ, अरे फिर से गिनने पड़ेंगे, भूल गई एक बार तो। जाती हूँ ना, आपके काम से ही तो आई थी, चाय पी लेना। हाँ सुन रही हो कि नहीं? हाँ पी लूंगी। भूल गई, इससे गिरने पड़ेंगे। काम में कितना भी मन लगा लो लेकिन छोरी का चेहरा हमारी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। इस तरह हमारे को ताक रही थी जैसे किसी हरे पूरे परिवार में नहीं किसी जंगल में छोड़ के जा रही हो उसकी माँ से। भाभी साहब हरे से एक बात कहूं, मारी को मारी रानी की सब छोरी का जन्म लिया है तो ये सब दुख सहने ही पड़ेंगे, छोरी को भी और छोरी के माँ बाप को भी। आसरा कितना अच्छा क्यों ना, कमी ना पूरी कर सके कभी भी माँ बाप को। अनिति के सासरे से कोई समाचार है ना? कुछ नहीं, उस जन से दरवाजे पर नजरे ताकी बैठी हूँ लेकिन चिट्ठी पत्ता कुछ नहीं। भागो के हैं? अरे भागो। हाँ ये देख आनंदी के सासरे से चिट्ठी आई है। अरे अभी कृष्णा से वही तो बात कर रही थी मैं, क्या लिखा है? ठीक तो है हमारी लाड़ो? हाँ अभी हाथ में आई है, अभी खोलता हूँ पढ़ता हूँ। जय माता जी की। आदरणीय समझी जी, कितने भड़े लोग हैं, कितना आदर करें छोरी वाले का, आदरणीय लिखा हमारे लिए। पढ़ो ना आप अभी आगे। हाँ। यहाँ सब कुशल मंगल है, ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करते हैं, आनंदी भी बहुत खुश है। अपनी ननंद के साथ खूब बन रही है उसकी, दोनों ननंद भौजाई दिन भर बातें करते हैं और काम निपटाकर टीवी भी देखते हैं। आप अपनी बिटिया की चिंता मत करना, बहुत जल्दी वो पूरी तरह अपनी दादी सा का मन भी मोह लेगी। अब राम सा पीर महाराज की कृपा है, हमारी छोरी की दादी सा ने उसको माफ कर दिया। आगे सुन, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी आनंदी अब अपने घर वाले की भी मदद करने लगी है पढ़ाई में। आपके कंवर सा को स्कूल से जो सवाल मिलते हैं ना, हमारी बिटिया उन्हें हल करती है। तो अच्छी बात है, छोरी का पढ़ाई लिखाई का शौक भी पूरा हो गया। घर वाली बीन को क्या देगी? क्यों, इसमें बुरा क्या है? भाई जी भाभी सर ठीक कहे, बिंदली का काम अपने बींद को सिखाने पढ़ाने का ना होए। हमारी छोरी को पहले से ही मास्टर नहीं बनने का शौक था, बीन को ज्ञान देगी तो ये बात उसके सासरे वाले को सुहाएगी नहीं। अरे आप समझते नहीं हो, छोरियों का काम होता है घर बार संभालना, अरे पढ़ाई लिखाई करना, दुनियादारी देखना, ये सब तो छोरों का काम होवे ना। अरे हमारी मुमड़, जब समधी जी को बुरा नहीं लग रहा तो तू क्यों अपनी जान जला रही है? और सुन, वो लोग बड़े लोग, उनकी सोच अलग हो गए हैं, हमारी तरह कुएं के मेंढक थोड़े ना है समधी जी, दुनिया देखी उन्होंने। अरे लेकिन आप अब तू आगे भी सुनेगी या वहीं अटकी रहेगी? सुन, अपनी ननंद के साथ रहकर आनंदी बनना संवरना भी सीख गई है। सुंदर तो पहले से ही है आपकी बिटिया, अब टीका टमका करके और सुंदर लगने लगी है। और तो और घर के काम में भी वो दादी सा का हाथ बटाने लगी है।
जीजी मैं कैसी लग रही हूँ? वाह भाभी, तुम तो बिल्कुल महारानी पद्मिनी लग रही हो। आज पता चला मेरी सारी सहेलियां यूं ही नहीं कहती हैं कि तेरी भौजाई से सुंदर कोई भी नहीं। सच में किसी की नजर ना लगे। ये रिबन कहाँ से लाई जीजी? तेरे नंदोई सा लेकर आए हैं। क्यों? बहुत सुंदर है, नंदोई सा से कहकर एक और मंगवा दोगी? एक और क्यों? वो मेरी सहेली है ना फूली, उसके लिए। वो विधवा है ना, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना चूड़ी ना बिंदी, सब छीन लिया उन लोगों ने। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। लेकिन भाभी, तुम्हारी सहेली तो विधवा है ना, तो वो ये रंगीन रिबन कैसे बांधेगी? कोई इस पर चिल्लाएगा नहीं? मैंने तो उसे कह दिया कि जो जी में आए वो रात में पहन लिया कर और सुबह उतार देना और छुपा कर रख देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम भी ना भाभी। अच्छा ठीक है, मैं प्रताप से कहकर एक और रिबन मंगवा दूंगी। लेकिन भाभी, तुम ये रिबन अपनी सहेली को कैसे दोगी? वो तो तुम्हारे गाँव में रहती है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो पोस्टमैन काका है ना, उन्हें दे दूंगी। वो सबकी चिट्ठियां यहाँ से वहाँ तो पहुँचाते हैं, तो वो फूली को रिबन भी दे आएंगे। ए चुईया, कहाँ है तू? जल्दी आ इधर। देखा जीजी कैसे चिल्ला रहा है, अभी तक अक्कल भी नहीं आई उसमें। घोड़े जितना बड़ा हो गया और दिमाग चीटी जितना छोटा। मैं अभी आई। क्यों चिल्ला रहा है जगदीशिया? सुनते क्यों नहीं? बहरी हो गई क्या? मेरा होमवर्क कर रहे? नहीं करूंगी। क्यों? तू जब देखो तब मुझे चुईया क्यों बुलाता है? अच्छा बाबा, चुईया नहीं बोलूंगा, मेरा होमवर्क तो कर दे। नहीं करती। अब क्या हुआ? काम करवाना है तो ठीक से बात करना, रोब क्यों झाड़ता है? अच्छा नहीं लगता मुझे कोई अपनी बींदनी से ऐसे बात करता है क्या। तो कैसे करते हैं? मेरा दोस्त सुभाष अपनी बींदनी से ऐसे ही बात करता है, जैसा देखूंगा वैसा ही तो करूंगा ना। छी, कितना गंदा दोस्त है तेरा। मेरी टीचर जी कहती थी, दोस्त उसे बनाओ जो हमें अच्छी बातें सिखाए, या अपने आप को ऐसा बनाओ जो दूसरों की बुरी आदत छू भी ना सके, समझा? अरे रुकना, कहाँ चली? मेरा होमवर्क नहीं करेगी क्या? नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी? तू मेरी बींदनी है, करना पड़ेगा। जब तक तू मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर ले। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे अच्छे से बात करता हूँ। आनंदी, मेरा होमवर्क कर दे। अच्छे से ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो फिर कैसे होती है, तू ही बता। आनंदी मेरा होमवर्क कर देगी क्या, ऐसे बोल। आनंदी मेरा होमवर्क कर देगी क्या? हाँ कर दूंगी। पता है जब तू अच्छे से बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, पर जब तू गुस्से से बोलता है तो एकदम उल्लू जैसा लगता है। अच्छा तू हमेशा अच्छे से बोलना, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। इस रिबन में तो बात सुथरी लग रही है। अब मेरा होमवर्क कर दे, मैं खेलने जा रहा हूँ। कहीं दादी सा ने देख लिया तो फिर से नाराज हो जाएंगी। तो सही कह के भेजना होगा सुनार के यहाँ। ऐसे क्या देख रही हो भाभी? इनमें से कुछ गहने तुम्हें भी तो पहनने के लिए मिलेंगे। साची पर दादी सा, आप इसे सुनार के पास क्यों भेज रही हो? पॉलिश करवाने। पॉलिश करवाने से उसकी चमक वापस आ जाएगी। पर ये गहने तो पहले से ही चमक रहे हैं। आनंदी बेटा, पॉलिश के बाद और भी चमकेंगे।
जाने के वक्त माँ ने दिया था अजय हार। दादी सा, आपको ये सारे गहने आपके माँ बाप ने ही दिए हैं? ना रे छोरी, कुछ माँ बापू ने दिए और कुछ थारे दादा सा ने बनवाए। दादा सा ने कौन कौन से गहने दिए? दादा सा ने जे भारी वाला हार, जे मेखला, जे सोने की चूड़ियां हजारों। और आपकी सासू माँ ने कुछ भी नहीं दिया? ना रे, कुछ ना दिया। खुश? दिमाग खा गई अपनी बगर बगर से जे छोरी। जा तू बाहर जा, मेरे को काम करना है। पहली बार इतने सारे गहने एक साथ देखे है ना, इसलिए खुशी से रहा नहीं गया है ना। और पहनने उड़ने का शौक भी तो बहुत है आनंदी को। आनंदी बेटा, अभी दादी सा काम कर रही है, तू इतने सारे सवाल पूछेगी तो उनका ध्यान टूट जाएगा। कोई चीज इधर उधर रखकर भूल गई तो? सुन, अभी थोड़ी देर चुप रहे वरना दादी सा बहुत गुस्सा हो जाएंगी। दादी सा से मुझसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। प्रीतु रात में इनके पाँव में तेल कौन मलेगा, है ना दादी सा? हमारे दिमाग का जो तेल तू निकाला है अपनी बकबक से, उसका क्या? कुछ तो अपनी जबान को आराम दिया कर। ठीक है, जैसा आप कहो, लेकिन मैं बकबक आपका मन बहलाने के लिए ही कर रही हूँ ना, क्योंकि आप बहुत प्यारी हो और जब भी आप हंसती हो तो कितनी फुदरी लगती हो। अच्छा, अब चने के झाड़ पे तो मत चढ़ा अपनी दादी सास को। मैं चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रही। अच्छा, नहीं चढ़ा रही, चल ठीक है। क्या पटर पटर करे जे छोरी। मेरा काम बन जाए, बाजू बंद भावरी को दे दूंगी। एक बार मारी बात तो समझ लो माजी सा। अरे सब समझ लिया भावरी, तभी कहती हूँ सवाल ही नहीं उठता। अरे आंखों देखी मक्खी मारे से तो ना निकली जाए। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है माजी सा। गोने के हफ्ते भर बाद ही तो बेचारे का घर वाला सिधार गया था। हाँ, पर हफ्ते भर तो रही ना अपने बींद के साथ सासरे में फिर। जी लेकिन देख भावरी, तूने कहा था छोरी कुंवारी है, तब यहाँ बोली थी मैं, अब तू दूसरी बात बोल रही। ये रिश्ता नहीं चलेगा भैया, दूसरा कोई रिश्ता ढूंढ के ला। आपकी चिंता में समझ गई माजी सा, पर बहुत साल बीत गए उस बात को। गोने के समय वो दोनों बच्चे थे, छोरी का बिन जब इस दुनिया से गया, आपके जगदीश का उम्र का रहा होगा। जी मेरा कहने का मतलब है, घबराने जैसी कोई बात नहीं थी उन दोनों के बीच। तू कुछ भी कह ले भौरी, एक बार छोरी की मांग में सिंदूर पड़ गया, सासरे चली गई, बात वहीं खत्म हो गई। अब ऐसी छोरी को अपने बड़े बेटे की बींदनी बना के घर में तो नहीं ला सकती ना। अरे तू साफ साफ बता दे, दूसरी ढूंढ के लानी है कि नहीं? कैसी बात करती हो माजी सा, मारा काम तो यही है, एक खोजो सो मिल जाए। पर क्या? बसन बन्ना की उम्र इतनी हो गई है कि उनके जोड़ की कुंवारी छोरी को ढूंढना रेगिस्तान में फूलों की क्यारी को ढूंढने जैसा है। बकवास बंद कर भौरी, नाचना है आंगन टेढ़ा, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हमारे बेटे में खोट ढूंढ रही है। अरे उम्र ही क्या है बसंत की, रिश्ते लायक छोरियों का अकाल नहीं पड़ गया है जो किसी भी हैरी गैरी को दुल्हन बना के घर में ले आऊं? हाँ, अरे इस गांव में नहीं, आसपास के गांव में ढूंढ, मेहनत कर। हाँ, सोने का बाजू बन निकाल के रखा है थारे नाम पे, किसी दूसरे को ना देना पड़ जाए। जो कुमार जी साहब, हमारे पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं, पर कुछ समय देना पड़ेगा आपको, वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होए। अरे हाँ भौरी, जेल ले, कुछ खर्चा पानी भी रख ले, आने जाने में पैसे तो लगते ही हैं। जेल नहीं, नहीं रख रख। अरे और ले ले, ये जेल ले, अभी जरूरत पड़े मांग ले। हाँ, थारो ही घर है जे। नहीं नहीं माजी साहब, मेहरबानी, अभी के लिए बहुत है,
अभी तो बस आप रहा देखो कुछ खबरें सुनने का। मैं यू गई और यू आई। चलती हूँ माजी साहब।